हेलो गाइस, वेलकम टू सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो का हमारा एजेंडा रहेगा डेवलपर सी प्लस प्लस आईडी को डाउनलोड करना एंड उसके बेसिक एनवायरनमेंट को समझना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज क्या करेंगे, पहला हमारा काम रहेगा डाउनलोड डेव सी प्लस प्लस आईडी। सेकेंड हमारा जो एजेंडा रहेगा आज का, दैट इज क्रिएट फर्स्ट प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम बनाना हमारा इन सी लैंग्वेज। सो डेवलपर सी प्लस प्लस है क्या, पहले हम ये देखते हैं। इट इज एन आईडी ऑफ सी लैंग्वेज, सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी एंड सी प्लस प्लस दोनों की कोडिंग कर सकते हैं हम डेवलपर सी प्लस प्लस का यूज करके। व्हाट इज आईडी, आईडी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। दैट मींस हमें बेसिकली अगर मैं कहूँ तो एक आईडी के अंदर एडिटर भी मिल जाता है जहाँ पे हम प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, पहले से बने हुए प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। साथ में हमें कंपाइलर भी मिल जाते हैं, कंपाइलर के साथ साथ लोडर लिंकर वगैरह जो है वो सभी इसी का पार्ट होते हैं, तो हमें अलग से कुछ कमांड्स वगैरह रन कराने की यूजुअली जरूरत नहीं रहती है। नाउ फर्स्ट हमारा स्टेप आता है डाउनलोड डेवलपर सी प्लस प्लस आईडी। तो इसके लिए ये लिंक है जहां से आप डेवलपर सी प्लस प्लस आईडी को डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आप अपने सिस्टम की कॉम्पेटेबिलिटी जरूर चेक कर लें, अगर 64 बिट है या 32 बिट है वो आपको देखना होगा। किसी को फिर भी अगर डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं लिंक जो है सेपरेट 64 बिट के लिए और 32 बिट के लिए वो सेंड कर दूंगा। नाउ सेकंड हमारा टास्क आता है डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल करना। तो बेसिक सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन आप सबको आती है, कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट डबल क्लिक करना है जो exe फाइल डाउनलोड हुई है उस पर, देन आपको नेक्स्ट 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 करके स्टेप्स को फॉलो करना है एंड फाइनली आपको फिनिश करना है। बीच में एक लोकेशन पूछता है कि आपको कहाँ पे रखना है इसका सेटअप, तो यूजुअली सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स होती है, वही आप पढ़े रहने दें, चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबसे नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिएट फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो हमारा जो प्रोग्राम है दैट इज राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द मैसेज हेलो वर्ल्ड। हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो सिंपली हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करवाएगा। कूल। सो स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें, सबसे पहली थिंग जब हम ये प्रोग्राम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट कराने के लिए, तो सबसे पहला हमारा काम होएगा इंक्लूड नेसेसरी हेडर फाइल्स। जो हमारी जरूरी हेडर फाइल है उसको हमें इंक्लूड कराना होगा। सेकेंड पार्ट होएगा डिफाइन मेन फंक्शन एंड थर्ड पार्ट होएगा यूज प्रिंट एफ टू प्रिंट मैसेज। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप हैं, इन्हें आइए हम फॉलो करते हैं हमारे आईडीई पे प्रैक्टिकली। सो जब आप सेटअप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद में डेवलपर सी प्लस का आपके यहाँ पे शॉर्टकट आ जाता है एक डेस्कटॉप पे। अगर डेस्कटॉप पे शॉर्टकट नहीं है तो ऑल प्रोग्राम फाइल्स में जब आप जाएंगे यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा ब्लडशेड डेव सीपीपी करके, उसमें आपके पास में एप्लीकेशन होगी, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं। जब आप डेवलपर सी प्लस को स्टार्ट करेंगे तो इस तरह की आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे टॉप ऑफ जो बार है ये आपकी कहला रही है टाइटल बार, इसमें तीन बटन आ रहे हैं क्लोज मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। ये जो है हमारी मेन्यू बार है, यहाँ से अलग अलग ऑप्शंस जो है वो हम चूज करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो यहाँ पे दैट इज फाइल एंड एग्जीक्यूट, उसके अलावा भी काम में आएंगे, जैसे जैसे काम में आएंगे हम देखते जाएंगे। जब आप फाइल पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करना है। न्यू फाइल न्यू सेलेक्ट करके आप सोर्स फाइल लें, ठीक है, और सोर्स फाइल की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एन। तो काम को स्पीड अप करने के लिए मैं शॉर्टकट की ज़्यादा यूज़ करूँगा, तो हमने यहाँ पे कीबोर्ड के साथ प्रेस करना है कंट्रोल प्लस एन। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होएगा, एक ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी। नाउ सेकंड हमारा काम है कि स्टेप अगर हम देखें, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, नेसेसरी हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। हमें प्रोग्राम में करना क्या, एक्चुअली प्रिंट करवाने का काम करना है, एंड प्रिंटिंग के लिए जो है हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन है जो कौन सी हेडर फाइल में है, stdio.h में। तो सबसे पहले हमने इंक्लूड कराया किसको, stdio.h हेडर फाइल को।
सेकेंड थिंग थी हमारा मेन मेथड को डिफाइन करना, तो ये मेन का हमने एक सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया. कूल, इस फॉर्मेट को हम फॉलो कर रहे हैं. नाउ हमें प्रिंट करवाना है मैसेज. प्रिंट करवाने के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास? प्रिंट एफ. तो हमने लगाया प्रिंट एफ एंड डबल कॉट्स में तीसरा स्टेप था ये हमारा प्रिंटिंग के लिए. यूज प्रिंट एफ टू प्रिंट मैसेज, उसको हम फॉलो कर रहे हैं. डबल इनवर्टेड कॉमा में क्या लिख दिया हमने? हेलो वर्ल्ड. सो ये हमारा एक बेसिक छोटा सा प्रोग्राम बन गया फर्स्ट. नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है इस प्रोग्राम को सेव करना. सेव करने के लिए आप फाइल में जाके सेव पे क्लिक करें या शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एस, ये आप दबाएं. जब आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो सेव एज विंडो या सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा. यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आपका फाइल का नेम. फाइल को हमने नाम दे दिया फर्स्ट एंड नीचे सेव एज टाइप आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. देखिए बाय डिफॉल्ट सी प्लस प्लस सोर्स फाइल आता है, इसकी जगह आपको सेलेक्ट करना है सी सोर्स फाइल. अगर सी प्लस प्लस सोर्स फाइल आपने सेलेक्ट किया तो उस पर सी प्लस प्लस फाइल के रूल्स लग जाते हैं, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल लग जाते हैं. दैट्स वाई केयरफुली सेलेक्ट सी सोर्स फाइल्स, इसे आपको सेव करना है. नाउ नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंपाइल एंड रन. तो उसके लिए एग्जीक्यूट में हमारे पास ऑप्शन आते हैं. अगर केवल कंपाइल करना है, बाइनरी में चेंज करना है तो F9. अगर ऑलरेडी कंपाइल्ड है और उसे रन करना है तो F10. अगर कंपाइल करके साथ में रन करना है तो F11 शॉर्टकट है हमारे पास. तो हमने कंपाइल एंड रन किया इसे एंड गुड कूल, दैट्स आवर आउटपुट. ये हमारा आउटपुट है जो डैश डैश वाला लिखा हुआ है. इससे ऊपर जो है वो प्रोग्राम का आउटपुट है, नीचे जो है वो आईडी के मैसेज है. हम तो हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कराया था, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया. एंड उसके बाद में जो लिखा आ रहा है ये टोटल टाइम बता रहा है कि कितना टाइम एग्जीक्यूशन में लगा है. वैल्यू रिटर्न, देखिए रिटर्न जीरो हमने लिखा था, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? जीरो. एंड प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, दैट मीन्स अगर आपको वापस एडिटर में आना है यहाँ पे आप कोई भी की प्रेस करो वो आउटपुट विंडो हट जाएगी. देखिए हेलो वर्ल्ड की जगह अगर मुझे प्रिंट करवाना है बाय वर्ल्ड, सो सिंपली हेलो वर्ल्ड बाय वर्ल्ड दोनों मुझे प्रिंट कराना है. तो एक और मैंने प्रिंट एफ लगाया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या रख दिया? बाय वर्ल्ड. अब देखिए आउटपुट जो आएगा, पहले लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड और कंसेक्यूटिव उसी के जस्ट बाद सेम लाइन में लिखा हुआ आएगा बाय वर्ल्ड. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रिंट एफ जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली आउटपुट में लाइन चेंज नहीं करता है. ठीक है, अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो आपको एक स्पेशल एस्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा जो मैंने सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट में डिस्कस किया था, बैकस्लैश एन. जब भी आप प्रिंट एफ में बैकस्लैश एन लगाते हैं तो बैकस्लैश एन के बाद जो कुछ भी आपने लिखा है वो न्यू लाइन पे प्रिंट होता है. दैट मींस बैकस्लैश एन जो एक तरह से एंटर की का काम कर रहा है. जैसे मैं अगर यहाँ पे एडिटर में एंटर की दबाता हूँ लाइन चेंज हो जाती है, वैसे ही जब बैकस्लैश एन आउटपुट पे आता है प्रिंट एफ के थ्रू तो ऑटोमेटिकली ये क्या करता है? लाइन चेंज कर देता है. अब आउटपुट देखिएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा फर्स्ट लाइन में एंड उसके बाद लाइन चेंज होकर के प्रिंट होएगा बाय वर्ल्ड. ठीक है, सो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा आराम से. अगर किसी भी व्यूअर को कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए एंड व्हाट्सएप पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर मैंने अर्लियर भी डिस्कस किया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एंड शेयर करें.